Hello everyone, my name is Deepak Mina. I am a teacher of economics and today I am going to teach you important topic of the economic activities. Economic activities are those activities which add value to the national income. मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो ऐड होती हैं, जिसकी वैल्यू ऐड होती है किसके अंदर, नेशनल इनकम के अंदर। मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब आर्थिक क्रियाएं, उन क्रियाओं को कहते हैं जिनको करने के बाद में जिनकी जो वैल्यू होती है वो ऐड होती है किसके अंदर, हमारे राष्ट्रीय आय के अंदर। फिर हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर थ्री टाइप्स। मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती है वो थ्री टाइप की होती है। फर्स्ट हम लोग बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर्स, सेकंड हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर्स, फिर हम थर्ड हम लोग बात करते हैं टर्टियरी सेक्टर्स। प्राइमरी सेक्टर की जब हम लोग बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज आती है, हमने बात की एग्रीकल्चर की, बात की हमने बात की फिशिंग की, हम लोग बात करते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं फॉरेस्ट्री की, हम लोग बात करते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं माइनिंग की, हम लोग बात करते हैं। मतलब प्राइमरी सेक्टर के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्टिंग, माइनिंग एंड एक्सेट्रा, और अन्य चीजें भी इसमें आती है। फिर हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर्स क्या होता है। सेकेंडरी सेक्टर्स वो सेक्टर होता है जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग की जाती हो, मतलब मैन्युफैक्चरिंग जहां पर होगी, और मैन्युफैक्चरिंग कहां होती है, फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो फैक्ट्रीज आर सेकेंडरी सेक्टर्स। फिर हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेडरी सेक्टर्स की, बात करने वाले हैं तो इसमें क्या होगा, ट्रेड की हम लोग बात करते हैं, एजुकेशन की हम लोग बात करते हैं, बैंक्स है, हेल्थ है, टूरिज्म है एंड एक्सेट्रा, अन्य चीजों की और बात करते हैं। मदर ट्रेडरी मतलब तृतीय क्षेत्र, वो क्षेत्र कहलाएगा जिसमें व्यापार होता है, शिक्षा दी जाती है, इसके अलावा बैंक्स के अंदर वर्क होता है, इसके अलावा हेल्थ की हम लोग बात करते हैं, इसके अलावा हम टूरिज्म की बात करते हैं, या गवर्नमेंट जॉब जो होती है उसकी बात करते हैं। तो ये जो चीजें आएंगी वो ट्रेडरी में आएंगी। फिर हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती है वो दो प्रकार की होती है। पहला हमने उसको बोल दिया मार्केट एक्टिविटीज और दूसरा हमने उसको बोल दिया नॉन मार्केट एक्टिविटीज। जहां हम लोग मार्केट एक्टिविटीज की बात करते हैं तो इसको हम बोलते हैं बाजार गतिविधियां। तो मार्केट एक्टिविटीज में क्या आएगा, एड वैल्यू टू नेशनल इनकम। मतलब मार्केट एक्टिविटीज जब भी होंगी उनकी वैल्यू होगी जो एड होगी किसके अंदर, नेशनल इनकम के अंदर। मतलब जब भी हम लोग मार्केट एक्टिविटीज करते हैं उनकी वैल्यू एड होती है किसके अंदर, नेशनल इनकम के अंदर। डन फॉर प्रॉफिट और सैलरी, ये जो मार्केट एक्टिविटीज जो की जाती है प्रॉफिट के लिए की जाती है या फिर सैलरी के लिए की जाती है। एग्जाम्पल क्या क्या आगे इसमें, फार्मिंग की हम लोग बात करते हैं, गवर्नमेंट जॉब की हम लोग बात करते हैं, बिजनेस की हम लोग बात करते हैं। ये एक्टिविटीज जो भी होंगी वो किसमें आएंगी, मार्केट एक्टिविटीज। दूसरी हम लोग बात करते हैं नॉन मार्केट एक्टिविटीज की, मतलब गैर बाजार गतिविधियों की हम लोग बात करते हैं। तो डज नॉट एड वैल्यू टू नेशनल इनकम, मतलब नॉन मार्केट एक्टिविटीज को करने के बाद में इनकी जो वैल्यू होती है, डज नॉट एड मतलब वैल्यू एड नहीं होती है किसके अंदर, नेशनल इनकम के अंदर। Does for self and constructions and no pay, मतलब ये जो non market activities जब की जाती है वो self के लिए की जाती है, self consumption मतलब स्वयं खुद के सेवन के लिए ये activities की जाती है, और इनको करने के बाद में कोई payment नहीं मिलता, मतलब no pay, यहाँ कोई payment नहीं मिलता है। और ऐसी एक्टिविटीज जो की जाती हैं वो एक्टिविटीज होती है बाय हाउसवाइफ। एक हाउसवाइफ प्रॉपर मॉर्निंग टू इवनिंग एंड नाइट तक वो वर्क करती है, बट उसके बाद उसको सैलरी नहीं मिलती है, तो वो एक्टिविटीज कौन सी होगी, नॉन मार्केट एक्टिविटीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।